दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पर। इस वीडियो में आज बात करेंगे कफ सिरप के बारे में। भाई सर्दियों का मौसम चल रहा है, काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है सूखी खांसी से लेकर गीली खांसी तक। इसलिए इस वीडियो में भी सूखी खांसी से लेकर गीली खांसी तक यानी ड्राई कफ से लेकर वेट कफ तक की सिरप के बारे में रिव्यू करेंगे और देखेंगे कौन सी सिरप कहाँ काम आती है, कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी लेनी चाहिए, काम किस तरह से करती है, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, कितना लेना चाहिए। ये सिर्फ बड़े व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है, सेल्फ यूज नहीं करना है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राई कफ के बारे में। अगर कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा ड्राई कफ रहता है, उसको दाशी सी आती है, कफ तो नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि कफ चिपका हुआ है, जैसे कि गले में खरखर रहती है, बार बार में आपको आदत सी पड़ जाती करने की, या बहुत ज्यादा रात को खांसी आती है, कफ नहीं निकलता लेकिन गला छिल जाता है, इतनी खांसी आती है, सो नहीं पाता व्यक्ति, तो इस तरह की खांसी में फिर ड्राई कफ सिरप देनी पड़ती है। जैसे कि एक नाम लेता हूं मैं, जेडेक्स सिरप, डॉक्टर रेड्डी कंपनी आती है, अच्छा प्रोडक्ट है, जेडेक्स सिरप आती है। इसके अंदर कॉम्बिनेशन आता है दोस्तों दो सॉल्ट का, पहला है डेक्सामेथोरफेन और दूसरा है क्लोराफिनरामिन। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ड्राई कफ में, अगर कोई व्यक्ति इस तरह की एलर्जी से ग्रसित है तो ले सकता है, बढ़िया काम करती है। और अगर बात करूं दूसरा तो एम्ब्रोलाइट डी आता है दोस्तों, एम्ब्रोलाइट डी भी ले सकते हैं। इसके अंदर तीन सोल्ट आते हैं, पहला है ए फेनिलाप्रिन, दूसरा है क्लोराफिनरामिन और तीसरा है डेक्सामेथोरफेन। दोस्तों ये एंटी एलर्जिक है, एंटी टसिव है, हिस्टामिन है, एंटी हिस्टामिन है, कई सारे अलग अलग प्रॉब्लम में काम देते हैं, जैसे कि कोल्ड की प्रॉब्लम में जुकाम भी लग जाता है, जुकाम के साथ सूखी खांसी आती है, तो वहाँ फिर ये काम करती है कोल्ड की प्रॉब्लम लेके ड्राई कफ की प्रॉब्लम तक। ठीक है, गले में एक कंजेशन है, टॉन्सिल प्रॉब्लम है, उसमें भी काम कर देती है। तो एंटी एलर्जिक है, एंटी टसिव है, एंटी हिस्टामिन है। इसी की तरह एक और आती है एस्ट्राकाइन डीएक्स, ये भी एक अच्छा आता है। ये दोस्तों तीनों ही शीशी एक ड्राई कफ है, एंटी कोल्ड है, कोल्ड की प्रॉब्लम से लेकर ड्राई कफ तक काम करती है। अब बात करते हैं भाई गीली खांसी के बारे में, वेट कफ में। तो दोस्तों अगर जकड़न है छाती में, कफ बचता है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कफ है, खांसी आती है, बड़े व्यक्ति के बारे में बात करें, जकड़न है, फेफड़ों में कफ चिपका हुआ है, बलगम मुक्कस है, तो वहां फिर ये सिरप आप ले सकते हैं, जैसे कि आती है एस्ट्राकाइंड, एस्ट्राकाइंड प्लेन आती है मेनकाइंड कंपनी की। ठीक है, इसके अंदर तीन कॉम्बिनेशन आते हैं, पहला है एम्ब्रोक्सोल, दूसरा है टर्बुटालिन और तीसरा है ग्यूफिनचिन। दोस्तों तीनों ही एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, इसको एक्सपेक्टोरेंट सिरप भी कहते हैं, जो कफ को, बलगम को, मुकस को बाहर निकालने में काम करती है। ये सूखी खांसी में नहीं दी जाती, कफ वाली खांसी में दी जाती है। अगर कफ है खांसी तो कफ आ रहा है, कफ की आवाज आ रही है, वहां दी जाती है। इसी तरह की दोस्तों एक और आती है वेंट्रिल माइक्रो कंपनी का, उसमें भी यही आती है, ये भी एक्सपेक्टो। तो अगर कफ के साथ साथ अगर सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीथिंग टाइटनेस है, सांस लेने में कफ चिप रहा है, कफ है, या अस्थमेटिक एलर्जी अस्थमा है, ठीक है, तो वहां पर फिर लियोसल्बुटामोल में साथ दी जाती है, जैसे कि एस्कोरिल एलस आती है, उसके अंदर लियोसल्बुटामोल आता है, एस्कोरिल एलस में एम्ब्रोक्सोल आता है और ग्यूफिनचिन आता है। तो ये ब्रोंकोडायलेटर की प्रॉब्लम में, सीओपीडी की प्रॉब्लम में एक्सपेक्टोरेंट है, ठीक है, तो ब्रीथिंग को बिजी करती है और कफ को भी कम करती है, तो ये उस वहाँ दी जाती है जहाँ पर ब्रीथिंग करने में भी दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, एस्थमेटिक एलर्जी है, छाती में कफ तह तह की आ जाती है, सीटीज बचती है, तो वहाँ दी जाती है एस्कोरिल एलस, जिसके अंदर लियोसल्बुटामोल हो, और सिर्फ कफ है, जकड़न है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, वहाँ सिर्फ एक्सपेक्टोरेंट दी जाती है, जिसके अंदर टर्बुटालिन हो, ग्यूफिनचिन हो, एम्ब्रोक्सोल हो, या हो सकता है ब्रोमीहेक्सिन भी हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भाई कि कौन सी ऐसी सिरप है जो दोनों में ही काम कर दे, एंटी एलर्जिक भी हो, एंटी कोल्ड भी हो, एक्सपेक्टोरेंट भी हो। तो दोस्तों आती तो बहुत कम है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आती है ग्रीलिंटस, जो कि बहुत फेमस है, यूज भी की होगी, अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अंदर दोस्तों डेक्सामेथोरफेन भी आता है, अमोनियम क्लोराइड भी आता है, क्लोराफिनरामिन भी आता है, जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट के साथ साथ एंटी एलर्जिक भी होता है, तो ये दोनों में यूज करती है। दोस्तों एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है इसके साथ साथ मैकबेरी, मैगलोर्स कंपनी आता है, इसमें दोस्तों एम्ब्रोक्सोल भी आता है और डेक्सामेथोरफेन भी, क्लोराफिनरामिन, कई सारे सॉल्ट ऐसे आते हैं जो एंटी एलर्जिक भी है और एक्सपेक्टोरेंट भी है, कफ वाले खांसी में भी दी जाते हैं और ड्राई कफ में भी दी जाती है, तो ड्राई और वेट कफ दोनों में यूज की जाती है।
अब बात करें भाई कितना लेना चाहिए इन सभी सिरप के बारे में। तो दोस्तों जो भी अगर बड़ा व्यक्ति इसका यूज करना चाहता है तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह से करना, ठीक है। अगर नॉर्मल डोज की बात करूं तो 5-5 ml दिन में 2 से 3 बार व्यक्ति ले सकता है, मैक्सिमम 20 ml दिन में ले सकता है अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो, पर डे 20 ml कंज्यूम कर सकता है खाने के बाद या खाने से पहले कोई भी टाइम ले सकता है। बात करें साइड इफेक्ट के बारे में तो एलोपैथी मेडिसिन है, ये सभी इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं होते लेकिन हो भी सकते हैं, जैसे कि सर में भारीपन देखने को मिल सकता है, सर दर्द हो सकता है, ठीक है, या वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया प्रॉब्लम रह सकती है, हल्का सा चेस्ट में पेन महसूस हो सकता है, और भी दोस्तों थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट अलग अलग भी हो सकते हैं अलग अलग व्यक्ति में, लेकिन सभी में एक साथ नहीं होते और सभी को नहीं होती, बहुत ही कम चांस में होते हैं, घबराने की बात नहीं, काफ़ी सेफ दवा के अंदर ये आती है। सावधानी बस यही है इनकी कि डॉक्टर की सलाह से लेना है, सेल्फ यूज नहीं करना है। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में है, ब्रेस्ट फीडिंग में है, तो वहां पर भी डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा रहता है डॉक्टर की सलाह लेने। दोस्तों अगर लेने के बाद बहुत ज़्यादा आपको नींद वगैरह आती है, आलस आता है, तो गाड़ी चलाते समय डोज मत लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था संपूर्ण रिव्यू, और कौन सी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में।